चंद्र स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है, जो हमारी सुपर 30 सीरीज चल रही थी, वो सीरीज आज से फिर कंटिन्यू हो रही है। आप अगर बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर जो है आई बटन पे क्लिक करिए और वहां से आपको जो है आरकेवाई सर की बेसिक मैथ मिल जाएगी और पूरा आपको बेसिक से समझाया जाएगा। जिनकी मैथ बेसिक मैथ कमजोर है वो वहां से देखें। और यहाँ पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है वो कम समय में कैसे सॉल्व किए जाएंगे वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको आर्या अग्रवाल और जो राकेश यादव की बुक है वो दोनों चीजें यहाँ पे सॉल्व कराई जाएंगी सुपर 30 सीरीज में। तो हम लोग जो है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, उसी में आज हम उसी क्रम में आज चौथा भाग लेकर आए हैं। अगर आप इसके पहले का तीन भाग नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, उसके बाद आप चौथा भाग देखिए। तो देखिए, चौथे भाग का पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10% 12% तथा 15% दर पर धन लगाता है। यह 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम पर ब्याज बराबर मिले तो मूलधन क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, हमको समय दिया गया है। समय दिया गया है कितना, T1 T2 T3, कितना दिया गया, 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष समय हमको दिया गया है। और क्या कह रहा है कि दर भी हमको दी गई है। दर क्या दी गई है, यानी कि R1 R2 R3 हमको दी गई है, कितना, 10 12 और 15 वर्ष, 10% 12% और 15%, ये हमको दर दी गई है, ये हमको समय दिया गया है। तो हमको क्या निकालना है, कह रहा है कि यदि प्रत्येक स्कीम पर ब्याज बराबर मिले, मतलब कि SI1 = SI2 = SI3 दिया गया है, तो हमको निकालना क्या है, हमको P1 = P2 = P3 निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो देखिए, SI1 हमने बताया है कि R1 और T1, यानी कि R और T का गुणा कर दीजिए आप, आपको SI मिल जाएगा। फिर अब चूंकि R1 T1 हमको कितने का SI मिलना है, P1 का, तो हम जानते हैं P1 R1 P1 100, P2 R2 T2 upon 100, P3 R3 T3 upon 100, फॉर्मूला हमको पता है, 100 तीनों के नीचे है तो 100 हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए मान रख लीजिए P1 R1 कितना है, देखिए 10 और 6, यानी कि 10 × 6 बराबर P2 × R2 12 × 10, फिर बराबर P3 × R3 यानी 15 × 12, ठीक, ये हो जाएगा क्या हमारा, ये चीज हमने मान रख दिया। अब देखिए, जब P1 निकालेंगे तो 10 × 6 = 60 हो जाएगा, P2 × 12 = 120 हो जाएगा, P3 × 15 = 30 की 0 हंसेंगे 3 15 = 15 3 18 180 हो जाएगा। देखिए एक चीज और देखिए कि 0 जो है तीनों में लिखा हुआ है। 0 क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, काट दीजिए, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, इसका मतलब आ गया 3P1 = 6P2 = 9P3, या फिर इसको आप मान लीजिए बराबर के, तो बराबर के मानेंगे जब, तो P1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, K/3 कामा P2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, K/6, भाई P2 के बगल यहां 3 था इसलिए 3 किए, P2 के बगल यहां 6 है तो यहां 6 करेंगे, और P3 बराबर हो जाएगा हमारा, P3 के बगल यहां 9 है तो यहां 9 करेंगे, K/9। तो जब तीनों का रेशियो निकालेंगे, अर्थात P1 / P2 / P3 बराबर हो जाएगा K/3 K/6 K/9, तो के तीनों में है, के हमारा खत्म हो जाएगा। ऐसी कोई गिनती बताइए जिस जो 3 से भी कटे और 6 से भी कटे और 9 से भी कटे, तो हमको पता है 18 जो है सबसे कटेगा, तो 18/3 18/6 18/9,
तो 3 6 18 6 3 18 9 2 18 तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6:3:2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कहीं अगर समस्या हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपकी डाउट क्लास भी चलेगी। अगर आप अपना क्वेश्चन रखे रहिए, उसके बाद आप हमको जो है अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप करिए, अगले दिन आपको वीडियो में आपका डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कह रहा है एक व्यक्ति 10,000 रुपए के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि 5% निवेश पर राशि 6% निवेशित राशि से प्रति वर्ष 76.5 रुपए अधिक प्राप्त करे तो 6% पर जो राशि दी गई है वो कितनी है। चलिए देखिए, कह रहा है 10,000 रुपए था, 10,000 रुपए था और इसको दो भाग में हमने बांट लिया, एक हमारा यक्ष कर दीजिए और एक हमने 10,000 माइनस यक्ष कर दिए। ठीक, एक पे जो है 5% और दूसरे पर 6%, एक पे 5% और दूसरे पर 6% ब्याज दिया जा रहा है और कह रहा है कि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से 76.50 रुपए अधिक ब्याज देती है। 76.50 रुपए अधिक ब्याज देती है, कौन सी देती है भाई? 5% वाला जो है उसमें से जब हम 6% वाला घटा देते हैं तो हमको इतना ब्याज मिल जाता है। इसका मतलब कि अगर हम इसको SI1 मान लें और इसको SI2 मान लें तो हमको दिया गया है SI1 माइनस SI2 ये बराबर दिया गया 76.50 के। ठीक, कहीं समस्या हो तो आप बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। SI1 वही चीज है आपका P1R1 T1/100 माइनस P2R2 T2/100 बराबर 76.50। तो P1 कितना दिया गया है देखिए यक्स, R1 कितना दिया गया है 5, T1 कितना दिया गया है प्रति वर्ष मतलब T का मान 1 है 3 × 1 बटे 100, इसमें भी है 100 इसमें भी है 100 हमने लघुत्तम ले लिया, माइनस है माइनस, P2 कितना है 10,000 माइनस यक्स। ठीक, R2 कितना है 6, T2 कितना है 1, चूंकि प्रति वर्ष कह रहा है इसलिए T का मान 1 हो जाएगा, ये बराबर है 76.50 के, ये बटे 100 है, जान लीजिए बटे 1 है, इसका जब गुणा करेंगे तो ये 100 उधर चला जाएगा, अर्थात 5x माइनस 6 × 6 = 60,000 और फिर माइनस माइनस प्लस 6 × 6x बराबर इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 76.50। फिर देखिए 5x + 6x यानी कि 11x बराबर 76.50 और ये माइनस 60,000 हो जाएगा तो प्लस 60,000 हो जाएगा। तो अब देखिए 11x बराबर इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 0 5 6 7 6। ठीक, 7,650 और 60,000 तो 60 और 7 67,650 हो गया। अब 11 से भाग देंगे 11 6 का 66 एक 16 बना, 11 11 11 5 55 बना, 11 5 55 0। ठीक, इतना रुपए, इसका मतलब कि 5% पर कितनी राशि दी गई 6,150 रुपए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 6% पर, तो अर्थात इस पर तो 6% पर निवेशित राशि कितनी है 10,000 माइनस 6,150 तो बराबर हमारा हो जाएगा 0 5 8 और 3 यानी कि 3850 रुपए, यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो अभी जल्द में ही पूछे गए हैं, क्योंकि ये बुक जो है ये
पुरानी बुक है तो इसलिए आपको उसमें डेट दूसरी दी गई है, लेकिन ये भी नए में भी पूछे गए हैं और इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, आपको जो है फिर से बता दिया जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो कह रहा है कि सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपए उधार लिया। ठीक, सुहित ने विकास से उधार लिया, किसने? सुहित ने लिया। कितना लिया? 6300 रुपए लिया। ठीक, और कितने परसेंट ब्याज पर लिया? 14% ब्याज पर लिया। 14% ब्याज पर 6300 रुपए उधार ले लिया। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि और इसमें कुछ धनराशि जोड़ दी। इसमें सुहित ने जो है कुछ धनराशि, मान लीजिए 100 रुपए जोड़ दी, और इसको दे देता है मोहित को। यानी कि मोहित को कितना रुपए दे देता है? 6300 प्लस 100 रुपए मोहित को दे जाता है। क्या कह रहा है सुनिए, जो सुहित जो है विकास से 6300 रुपए लेता है, ठीक, 14% ब्याज पर। उसके बाद उसमें कुछ पैसा अपना मिला लेता है, मान लीजिए 100 रुपए उसने मिला दिया। तो अब उसके पास 6300 प्लस 100 रुपए हो गया, और वो 6300 प्लस 100 रुपए किसको दे देता है? मोहित को दे देता है। किसको? मोहित को दे देता है। तो क्या कह रहा है कि इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? लाभ हुआ 618 रुपए का। तो 618 रुपए का लाभ हुआ। तो कह रहा है कि उसने मोहित को कितनी धनराशि उधार दी? तो उसने मोहित को कितनी धनराशि उधार दी? तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। मतलब क्या हुआ कि भाई जब 6300 प्लस 100 रुपए मोहित को दिया, इसमें उसको ब्याज मिला होगा और उसको इतना ब्याज देना भी है। तो इसका मतलब कि इसमें जो ब्याज मिला, अगर हम उसमें से इसके ब्याज को घटा दें, तो घटाने के बाद हमको कितना रुपए मिलना चाहिए? 618 रुपए मिलना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यानी कि ये SI2 मान लीजिए और ये SI1 मान लीजिए। तो SI2 माइनस SI1 ये बराबर कितना दिया गया है? 618 रुपए। बस यही सॉल्व करना है। यानी P2R2 T2/100 माइनस P1R1 T1/100 बराबर 618। हमने पूरे सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ एक फार्मूला बताया है। आप ज्यादा फार्मूले के चक्कर में ना रहिए, इसी पर आप अभ्यास करिए और ये क्वेश्चन मुश्किल से 35 से 40 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। 40 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैं गारंटी करता हूं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आप लगातार अभ्यास करते रहते हैं, तो गारंटी करता हूं कि आप हर क्वेश्चन जो है 40 सेकंड से 45 सेकंड नहीं लगेगा सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए P2 कितना दिया गया है देखिए, 6300 प्लस x इंटू R2 कितना दिया गया है, इस पर ब्याज कितना लेता है? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ रुपए जोड़ करके मोहित को 16% दर पर उधार दे देता है। तो जो दर है वो कितना है? 16% इंटू टी। तो चूंकि 1 वर्ष के लिए निकालते हैं, 1/100 माइनस P1 कितना है? 6300 रुपए। R1 कितना है? 14। T1 कितना है? 1/100। ये बराबर है कितने के? 618 के। कहीं अगर समस्या हो तो बताइए। ठीक, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, यानी कि T1 3 दिया गया है, T2 भी 3 दिया गया है। तो ये इसको हम 1 ना लिख करके क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक, उधार देता है, उसमें से कुछ धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही धनराशि उतने ही अवधि के लिए, मतलब अवधि समान है तो वही चीज। हाँ, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 6300 प्लस x और 16 दिया 48 या माइनस 6300 गुणे 14
बराबर 618 20, बटे में 100 यहां भी है, बटे में 100 यहां भी है, जब ये इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए देखते हैं, 48 × 6300 करेंगे। ठीक, तो या फिर आप एक काम करिए कि इसमें से कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो देखिए 14 × 42 तो 6 अगर कॉमन ले लें तो यहां 8 आ जाएगा, और इसमें से अगर 6 कॉमन ले लें तो हमारा कितना बनेगा, 14 × 42 तो 6 × 7 = 42 बन जाएगा। या फिर चलिए ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, 6300 × 48 + 48x - 6300 × 14 = 42 बराबर 618 20। अब देखिए 48x है, इसको किनारे कर दीजिए, इनको देखिए, इसको और इसको मैं ले रहा हूं, देखो ठीक, इसको और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6300 दोनों में है। ठीक, 48 − 42 + 48x = 6100, या फिर 6300 और गुणे 48 − 42 करेंगे तो 6 और प्लस 48x = 6100। ठीक, अब देखिए 6 × 0 = 36 + 48x = 6100, तो 48x = 6100 − 37 800। तो चलिए तो 48x बराबर घटा देंगे, 61800 में से 37800 घटाना है, तो आप 800 में से तो 800 घट जाएगा, 61 में से 37 घटा दीजिए, यही बस। तो 61 में से जब आप 37 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 61 − 37 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7 × 4 = 11, 5 × 3 = 25, फिर आगे 0, यानी कि 24000। तो x बराबर 24000 / 48, तो 24 × 24, 24 × 48 = 2×5 = 10, तो x बराबर 500 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहित ने कितना पैसा मिलाया इसमें, मोहित ने इसमें 500 रुपए मिलाया। तो क्या कहना है क्वेश्चन में, उसने मोहित को कितनी धनराशि उधार दी थी, तो मोहित को कितनी धनराशि उधार दी गई थी, 6300 + x रुपए, और x का मान 500 है, तो 6300 + 500 यानी कि कितना दिया गया था, 6800 रुपए, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कहीं अगर समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। आज हम लोग अपना यहीं पर जो है छोड़ते हैं, आप लोग सॉल्व करते रहिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर समस्या हो तो आप हमें बताइएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक वाली बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए।